खबरों से भरपूर जय हिंद। आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हम बात करेंगे उस भारत के बारे में जिसका सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेकों भारत के फ्रीडम फाइटर्स, भारत के लिए कुर्बानी देने वाले, भारत के बारे में सोचने वाले, भारत की भारतीयता को दुनिया में स्थापित करने के बारे में सोचने वाले हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने सोचा था। आज बात उस भारत की जिस भारत का तस्वुर देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, बात उस भारत की जिसका तस्वुर देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहते हुए किया था कि मैं आज़ादी में ताखीर तो बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से भारत दस्तबरदार हो जाए इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बात उस भारत की जिसका तस्वुर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे हजारों करोड़ों अरबों भारतीयों ने किया था और बात उस भारत की जिसका तस्वुर स्वामी विवेकानंद ने ये कहते हुए किया था कि हम उस भारत से आते हैं जिसने दुनिया के सभी धर्मों के प्रताड़ित लोगों को शरण दिया था। बात उस भारत की जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मैं आपसे रोटी मांगता हूं और आप मुझे धर्म का प्याला उड़ेड़ते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज उस भारत को नज़र लग गई है। बात उस भारत की जिसका तस्वुर मुजाहिद आज़ादी बख्त मियाँ अंसारी ने किया था कि जब अंग्रेज़ों ने उनको गांधी जी को जहर का प्याला पेश करने के लिए कहा था तो उन्होंने इससे मुँह मोड़ लिया था और गांधी जी राष्ट्रपिता की जान को तरजीह दी थी और राष्ट्रपिता की जान को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। लेकिन अफसोस कि आज बख्त मियाँ अंसारी को शायद ही कुछ लोग जानते हों वरना देश की एक बड़ी आबादी राष्ट्रपिता को बचाने वाले उस भारत के सपूत तक को नहीं जानती है। लेकिन कहते हैं कि हर तारीकी में एक उजाला होता है। ऐसे समय में जब ये आरोप लग रहा है केंद्र से लेकर कई राज्य सरकारें नफरत को परोसती हैं, नफरत को लेकर के मौन रहती हैं, ये भी आरोप लगता है, कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई अपना दूसरे धर्म का आदमी अगर अपने धर्म को पालन करता है तो उस पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। इन सब आरोपों के बीच भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत की भारतीयता को आज भी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, उसको लेकर के चिंतित हैं। इसी दिशा में, इसी मामले को लेकर के एक साइकिल यात्रा गणेश शंकर विद्यार्थी के शहर कानपुर से निकली और दिल्ली पहुंची। ये यात्रा 16/7/2022 से शुरू हुई और 25/7/2022 को दिल्ली पहुंची जहां उसका समापन हुआ। इनका संदेश यही था, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़ की कसम खाई है और न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो नदियां बह गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जब ये यात्रा दिल्ली पहुंची तो इसका स्वागत दिल्ली कांग्रेस पार्टी के नेता, ऑल इंडिया कौमी तंजीम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हिदायतुल्ला जेंटल ने किया और साथ ही उनके साथ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली के अध्यक्ष तहसीन और दिल्ली मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष और कई बड़ी तादाद में लोगों ने जामिया नगर ओखला में मुशावरत के दफ्तर में इसका स्वागत किया। इस मौके पर हिदायतुल्ला जेंटल की तरफ से जो लोग इस साइकिल यात्रा में शामिल थे उनको उनका सम्मान भी किया गया और साथ ही इसमें एक बड़ा काम खुदाई खिदमतगार के लोगों ने किया, इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने में, लोगों को आपस में मिलाने में, क्योंकि जब खुदाई खिदमतगार का तस्वुर आता है तो ज़रूर भारत के उस सरहदी गांधी का जिक्र आना लाजमी है जिसे दुनिया खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानती है। खान अब्दुल गफ्फार खान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने एक लड़ने वाली कौम, एक जंगजू कौम को, जो पठानों की कौम थी, उसको उन्होंने खुदाई खिदमतगार बना दिया था। इस यात्रा का बेहतरीन अंदाज में दिल्ली में स्वागत किया गया। इस मौके पर वतन समाचार ने इस यात्रा में शामिल लोगों से बातचीत की, उनके साथ उनके एक्सपीरियंस को अपने दर्शकों के लिए जानने का प्रयास किया और साथ ही और किसने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं दिल्ली के ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के हेड ऑफिस से रिपोर्ट। नफरत की बात करने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं लेकिन उनका शोर बहुत ज़्यादा है। वो अपनी बात को, एक छोटा सा ग्रोह है 100-150-200 आदमियों का, 400 आदमियों का, वो
एक गैंग के तरीके से काम कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, जबकि उसका जवाब हम उस तरीके से मिलकर नहीं दे पा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक अवेयरनेस पैदा हो, और जब कोई उल्टी सीधी बात की जाए तो उसका सीधा जवाब देने वाले भी 10-5 लोग हों, उनके साथ में परेशानियाँ आएंगी ज़रूर। क्योंकि वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बराबर से नहीं है। देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बराबर से नहीं होता तो सही बात कहने वालों को दुश्वारी तो ज़रूर आती है, लेकिन जितनी उनके साथ में दुश्वारी आती है उनकी इतनी ही आवाज़ में ताकत भी पैदा होती है, दुनिया में लोगों के सामने उनकी बात ज़्यादा मजबूती के साथ में जाती है। जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो हम, और जो हमने अपना रूट बनाया है, बहुत ही अगर देखेंगे तो बहुत ही निचले स्तर के से हम लोग चले हैं, गांव के लोगों से मिले हैं, शहर के लोगों से मिले हैं, और कई सारे पत्रकारों से, छात्रों से मुलाकात हुई, हमारी महिलाओं से मुलाकात हुई। सभी के दिलों में इस तरह की कोई भी घटना नहीं है, सभी चाहते हैं कि हम आपस में मिल के रहें। केवल ये सिर्फ एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ जो ऐसी घटनाएं प्री प्लान्ड होती हैं और उनके प्री प्लान्ड एजेंट होते हैं, प्री प्लान्ड वर्कर होते हैं जो इन तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें आम जनता के बीच इस तरह का कुछ भी नहीं है, सभी लोग मिल के ही रहना चाहते हैं। और मेरे को तो लगता है कि जो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने कश्मीर में 370 हटाई, उसी तरह से इस घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के प्रति भी कड़ा कानून बनने चाहिए। पूरे सफ़र को हमने बहुत अच्छे से तय किया है, और जो जनता में जो देखा है उसके नज़रिए से तो बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा है। और ये सफ़र है, मुश्किलें तो आती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो हमको जो दिखाया जा रहा है वो ऐसा हमको समाज में कहीं नहीं मिला है। समाज हमारा बहुत अच्छा है, ये एक प्लानिंग की हुई एक साजिश है जिसे कहते हैं, कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और लोग जो जैसे कि शिक्षा लोगों पे नहीं है, रोज़गार नहीं है, और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, इन चीज़ों की तरफ भारत की जनता का ध्यान न जाए, इसलिए ये साजिशें रची जाती हैं। क्योंकि अगर लोग फुर्सत में रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो इन चीज़ों की मांग करेंगे और इसके प्रति जनता जागरूक होगी तो बहुत सारी समस्याएं सरकार के लिए खड़ी हो जाएंगी। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamachar.com और urdu.watansamachar.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज वतन समाचार को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर @वतन समाचार पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम पर भी आप वतन समाचार के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते रहें, तो ज़रूर आप हमें डोनेट भी करें।